पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों की याद में शनिवार को रामपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस, कॉलेज छात्र और व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रक्तदान सेवा परिवार रामपुर द्वारा आयोजित शिविर का शुभारंभ तहसीलदार रामपुर विपिन ठाकुर और डीएसपी रामपुर अभिमन्यु वर्मा ने किया। आयोजकों ने बताया कि उनका प्रयास है कि चिकित्सालय में रक्त की कमी से किसी भी मरीज को मौत से ना लड़ना पड़े। रक्तदान सेवा परिवार रामपुर की ओर से पुलवामा में आतंकी हमले में मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस, कॉलेज के छात्रों और स्थानीय व्यवसायियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ रामपुर के तहसीलदार विपिन ठाकुर ने किया। रक्तदान सेवा परिवार की टीम ने बताया कि अक्सर कई मौकों पर चिकित्सालयों में गरीबों को खून न मिलने से जान गंवानी पड़ती है, या फिर ऐसे भी मौके आते हैं जब रक्त की कमी से कई अनमोल जिंदगियां खतरे में पड़ जाती है। उन्होंने कहा कि इस शिविर के माध्यम से जरूरतमंदों की सहायता करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने अन्य लोगों को भी रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया। रक्तदान सेवा परिवार जो हमने यहाँ गठित किया है, उसके माध्यम से यहाँ रामपुर में तीसरा शिविर लगा रहे हैं। यहाँ शिविर लगा है, सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा ये है। पुलवामा में जो हमारे फौजी भाई 42 मारे गए थे दुर्घटना में, कहें या आतंकवादियों के शिकार हुए थे, उस उद्देश्य को लेकर के अपने लोग जो है बड़ी खुशी से खून यहाँ रक्तदान कर रहे हैं। हम जो उन गरीब परिवारों का साथ देना, जो यहाँ पर खून की कमी की वजह से अपना इलाज नहीं करवा सकते, उसके इलाज में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इसलिए हम इस शिविर का आय करते हैं यहाँ पर, और हम ब्लड बैंक को जो है वो अपना यहाँ से रक्तदान दे देते हैं। इस मौके पर डीएसपी अभिमन्यु वर्मा ने बताया कि समाज को हर समय रक्त की आवश्यकता रहती है, इसलिए रक्त को महादान समझते हुए रक्तदान करना चाहिए। हम जो लड़ाई झगड़े में एक दूसरे का रक्त बहाते हैं, उससे अच्छा है कि हम रक्त दान करें, और जो किसी न किसी के काम आता है, और ये निस्वार्थ सेवा के लिए मैं इन सब लोगों का जो रक्तदान आज कर रहे हैं उनका भी बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। सिटी चैनल के लिए रामपुर से विशेषण नेगी की रिपोर्ट।